राज्य सरकार की अच्छी पहल, 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन हो इसको लेकर जिला प्रशासन के तत्वाधान में आज धनबाद सदर अस्पताल से 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को धनबाद के सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर धनबाद सांसद पीएन सिंह, भाजपा विधायक राज सिन्हा एवं DDC दशरथ चंद्रदास, सिविल सर्जन के अलावा कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। वहीं धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने कहा कि सरकार की यह अच्छी पहल है, जो लोग बुजुर्ग हैं और वह अपने घर से नहीं निकल पाते और चलने में असमर्थ है, वैसे लोगों को इस वाहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही 18 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी सरकार के समक्ष 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन कराने की बात रखी जाएगी। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है, जो लोग घरों से नहीं निकल पाते उनके लिए सुविधाजनक है, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। वहीं धनबाद के DDC दशरथ चंद्रदास ने कहा कि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, वैसे लोगों के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन रवाना किया गया है, जो लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीन नहीं आया है, बहुत ही जल्द 18 प्लस लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन आ जाएगा और बहुत जल्द ही युवाओं को वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया हम चालू करेंगे। और लेकिन एक समस्या है, जिस प्रकार से शुरुआती के दिनों में विपक्ष के नेताओं ने देश के अंदर भ्रम फैलाया था इस वैक्सीन को लेकर, वो भ्रम अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। खास करके जहाँ के लोग हैं या गांव में या अल्पसंख्यक इलाके में इस वैक्सीन के प्रति उदासी लोग बरत रहे हैं या किसी कारण से बरतवाई जा रही होगी, तो मुझे लगता है कि गांव गांव तक वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है और उनको उनके अंदर जागरूकता भी करना जरूरी है कि वैक्सीन लीजिए या वैक्सीन आपके जीवन के रक्षा के लिए आवश्यक है, इससे कोई हानिकारक कार्य नहीं होगा या कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। जागरूकता लाना भी लोगों में बहुत जरूरी है, सिर्फ लेकिन 45 प्लस वालों के लिए। सबकी मैं जवाब दे रहा हूँ, आज से मोबाइल वैन क्योंकि रांची में स्टार्ट हो गया था, ये हम लोग की ये पहल है कि जो आदमी दूर दराज के हैं 45 प्लस के, जो स्मूथली नहीं आ पाते हैं, जो वृद्ध हैं, जो भीड़ भाड़ में नहीं आना चाहते हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने मोबाइल वैन आज 2 स्टार्ट किया है। उसमें से एक तो आपके सामने ही है, माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय ने लगभग करके स्टार्ट किया है। अभी केंदुआ गया है, केंदुआ से हम लोग को सूचना आया था, लगभग वहाँ 45 प्लस के लगभग 50 व्यक्ति वहाँ हैं, वैक्सीनेशन करेंगे। तब तक कंट्रोल रूम में फिर टेलीफोन आ जाएंगे, तो वहाँ से मूव वहाँ कर जाएंगे। ये सिर्फ अभी शहरी क्षेत्र के लिए, जबकि जरूरत तो समझा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए, तो ऐसा प्रशासन फैसला नहीं कर रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी स्टार्ट। आज आप यहाँ जो स्टार्ट करने के लिए आए हुए हैं, आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, हम लोग इसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि तुरंत इस सप्ताह के अंदर अंदर मोबाइल वैन की संख्या और हम लोग बढ़ाएंगे और देहाती क्षेत्रों के लिए भी। देखिए, सरकार की अच्छी पहल है, हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी कहा था बैठक, चाहे टेस्ट का मामला हो या वैक्सीन का मामला हो, गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, या जो सेंटर पर आकर वैक्सीन लेना या टेस्ट कराना, उससे कई प्रकार की दिक्कत हो रही है। और सरकार ने पहल किया, आज से धनबाद जिला में वैक्सीन भी जगह जगह मोबाइल वैन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इससे फायदा है, लोगों की दिक्कतें भी, आने जाने का दिक्कत भी दूर होगी। लेकिन जिस तरह से लोगों को वैक्सीन देने का प्रयास हो रहा है, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए, जहां मोबाइल वैन जाए वैक्सीन की सारी व्यवस्था करकर, तो वहां पर लोग अधिक से अधिक क्या सब लोगों को लेना है,
इसमें कहीं कोई कमजोरी ना करें, सब लोग वैक्सीन लगाएं और इसके लिए जितना सुलभ तरीका हो सकता है यह तरीका है इसके लिए।